नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। भाई वीए में जो लोग रहते हैं फैमिली सज्जियां साथी, उनके भी सामाजिक जीवन में उथल पुथल हो जाती है। आपको पता है बना बनाया घर बिगड़ जाता है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं उसमें। सामाजिक प्रॉब्लम आने की वजह से नौबत डिवोर्स यानी तलाक तक पहुंच जाती है। तो अगर आप यूएई में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस लोग रहते हैं या फिर पाकिस्तानी रहते हैं, नियम तो सबके ऊपर एक जैसे लागू होते हैं, आप चाहे कोई भी कंट्री हो। अगर आप यूएई में रह के इन चीजों का सामना करते हैं तो आपके साथ क्या कानूनी समस्याएं सामने आती हैं, आप उनका किस तरह से समाधान कर सकते हैं, यहाँ हम बात करेंगे। कि एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, कुछ एक बंदे का मेरे पास कमेंट आया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना जरूरी है। क्योंकि भाई बहुत हजारों की लाखों की संख्या में इंडियन फैमिलीज यूएई में रहती है विद फैमिली, तो उनके कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से फिर उनको अलग अलग होना पड़ जाता है। अगर अलग अलग हो जाते हैं, उनका आपसी सहमति से तलाक वहां पे हो जाता है, बता दो कोर्ट के माध्यम से, तो उनके बाद में जो कोर्ट उनको फैसला देता था वो कानूनी मान्यता से वो अलग अलग रहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं, आपको पता भाई सेम कानून सेम है लगभग, कि छोटे बच्चों की कस्टडी 99% मदर को जाती है, यानी उनकी माँ को या फिर उनकी मम्मी को, जिनको बोल सकते हैं, उनको उनकी कस्टडी जाती है। तो उस दौरान आपको फिर कोर्ट की तरफ से उनको मंथली अर्जाने के तौर पे, यानी बच्चों की परवरिश के तौर पे आपको कुछ कोर्ट की तरफ से फाइनल हो जाता है, कभी इतना पैसा आपको इसमें देना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 5,000 दो बच्चों के या 6,000 रुपए, 5,000 6,000 दराम आपको दुबई के देने पड़ जाते हैं, और उस आप देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको उनसे बच्चों से मिल भी रहे हैं, आप उनको पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है, चल रहा है आपका सिस्टम। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप अचानक से बेरोजगार हो जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है, तो उस दौरान आप क्या करें, आपका दुबई लेबर लोग क्या बोलता है, आपके साथ कौन सी मुसीबत आ सकती है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मान लीजिए आपके अचानक से आप उनको रेगुलरली, जैसे साल दो साल तीन साल से मंथली, जिसको भत्ता बोल सकते हैं या इंडिया में पोषण बोलते हैं, मंथली आपको पारिवारिक पोषण के तौर पर उनको देना होता है, मंथली जिनको बोल देते हैं, वो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 6,000 दराम महीने का, ठीक है। तो अचानक से आप बेरोजगार हो गए तो आप क्या करेंगे, अगर आप उनको मंथली नहीं दोगे तो भाई आपके जब यूं हो गई, आपका सिस्टम बिगड़ चुका है, तो आपकी जो भूतपूर्व पत्नी है वो तो आपका सपोर्ट नहीं करेगी, कोई बात नहीं आपके पास नहीं है तो आप बाद में दे देना, मैं दे देती हूँ, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, आपके ऊपर तो फिर लीगल एक्शन आएगा। तो अब आपकी पत्नी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है कोर्ट के माध्यम से, कि भाई हमारी शर्त हुई थी, ये हमारा बॉन्ड जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था कि भाई दो बच्चों की 5,000 दराम दुबई दराम मंथली देना था, ये 5, 6, 7 महीने से 4 महीने से नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपको भाई कोर्ट का कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप मान लीजिए बेरोजगार हैं, तो आपको पहले ही इसमें स्थिति को संभालना पड़ेगा। आपको या तो आप अपनी पत्नी से बात करें कि भाई ऐसी ऐसी है, पर लेकिन 99% वो नहीं मानने वाले वहां पे, तो आपको उसी कोर्ट में फिर वापस अपने वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन देना होता है कि भाई मैं इतना इतना इस टाइम से दे रहा था, इतने टाइम से मैं बेरोजगार हूँ। उसके लिए आपको एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, ऐसे मुझसे बोलने से नहीं होगा, ऐसे तो हर आदमी बोल देगा फिर, क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है, समझ गए। तो आपको एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, आप बताओगे भाई मैं बेरोजगार हूं, तो आपको एविडेंस ये जिस पहले जहां काम करते थे वहां से लिखित में आपको देना होगा, कोर्ट में जमा करना होगा कि भाई इस तरह से मैं इस काम कर रहा था, अभी मैं यहां पे बेरोजगार हूं। आपके बैंक की जो स्लिप है, आप जिस बैंक में आपके अकाउंट है, वो आपको अकाउंट शो करने पड़ेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर आपकी पत्नी पहले से काम कर रही है, वो इनकम कर रही है, तो उनका एविडेंस भी आपको देना पड़ेगा कि बच्चों की वो सुरक्षित देखभाल कर सकती है, क्योंकि वो जॉब पे है और मैं जॉब पे बिल्कुल नहीं हूँ, बेरोजगार हूँ। इस स्थिति में कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ में क्या फैसला करता है। बाकी भाई वे का लेबर लो सख्त है इस मामले में कि 100% अगर आपको कोर्ट ने फैसला सुना दिया, पहली बात तो बता दूं कोर्ट का दुबई का लेबर लो ये बोलता है कि आप अपने बच्चों के फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है, आप उनकी सुरक्षा देंगे जब तक वो पढ़ लिख के शादी योग्य या फिर जॉब योग्य नहीं हो जाते, यानी एज वेस्ट जिसको बोलते हैं 18-21 साल के नहीं हो जाते, तब तक आपको पूरा खर्चा उनको वहन करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आपको निभानी पड़ेगी, नहीं निभाओगे तो ये क्राइम माना जाता है, आपके ऊपर दोबारा लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जी हाँ। और दूसरी तीसरी बात मैं बता दूं इसमें कि आप बेरोजगार हैं तो ये मैंने फार्मूला बताया, ये कोर्ट में आप वकील के माध्यम से पेश करेंगे, हो सकता है आपको रियायत मिल जाए कि भाई ठीक साल 6 महीने के लिए, कि ठीक आप इतनी रिलीफ मिल कोर्ट की तरफ से मिलती है,
जैसे आप जॉब पे लग जाओ तो आपको दोबारा से वो विद इंटरेस्ट या फिर पहले का जो बकाया है वो साथ में, कैसे भी कोर्ट आपके ऊपर फैसला सुनाती है वो आपको सर्वे माने मानना पड़ेगा। बस ये जानकारी छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।